नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सीताराम और आप देख रहे हैं ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इमिडाक्लोप्रीड 70% WG जो बायर कंपनी की एडमायर आती है उसके बारे में। मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, आप किन किन क्रॉप पर इसका छिड़काव कर सकते हैं, कौन कौन से कीटों पर यह नियंत्रण करता है, आप कौन से फंगीसाइड्स पर मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं और इसका डोज क्या है, इसके प्राइस क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट और पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमिडाक्लोप्रीड 70% WG एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, मतलब अंतर प्रवाही कीटनाशक है और ये नियोनिकोटिन ग्रुप का एक कीटनाशक है। नियोनिकोटिन ग्रुप का एक इंसेक्टिसाइड है ये इमिडाक्लोप्रीड 70% WG। SC फॉर्म में आता है और EC फॉर्म में आता है और WG फॉर्म में और अलग अलग फॉर्म में आता है और इसका परसेंटेज भी अलग रहता है, किसी किसी में इसका रेशियो भी अलग रहता है और इसका जो डोज है वो जो परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है। और इमिडाक्लोप्रीड 70% WG काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इमिडाक्लोप्रीड 70% WG दो तरह से काम करता है, दो प्रकार से काम करता है। पहला, यह कीटों के नर्वस सिस्टम में जाकर कीटों को मारता है, मतलब तंत्रिका तंत्र में जाके कीटों को पैरालाइज करता है और फिर कीटों को मार देता है। और दूसरा है स्टमक एक्शन, मतलब कीटों के पेट के अंदर भी जाकर यह काम करता है और कीटों को मारता है। और इमिडाक्लोप्रीड 70% WG में इसमें जो है ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, मतलब इसमें एक ऊपर में डालेंगे, पत्ती के ऊपर में डालेंगे तो पत्ती पत्ती के नीचे तक भी वह पहुंच जाता है, मतलब इस पार से इस पार वह आसानी से पहुंच जाता है। इसमें ट्रांसलेमिनार भी एक्शन रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस क्रॉप में आप इमिडाक्लोप्रीड का छिड़काव कर सकते हैं। आप कपास में, धान में, गेहूं में और सभी प्रकार के हरी सब्जियों में आप छिड़काव कर सकते हैं, साग सब्जियों में सभी प्रकार के और नर्सरी में भी आप छिड़काव कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रीड 70% WG। अब मैं आपको बताता हूँ यह किन किन कीटों को मारता है, ये कंट्रोल करता है। ये एफिड्स को मारता है, जेसिड्स को कंट्रोल करता है, एफिड्स जेसिड्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, लिफ माइनर हो गया, इसको ये आसानी से कंट्रोल करता है। थोड़े थोड़े रिजल्ट स्टेम बोरर और जो आपका आता है हॉपर्स, इस पे भी थोड़े थोड़े रिजल्ट इसके देखे गए हैं। तो इन सब पे यह जो मैं पहले बताया उन पे अच्छी तरह से काम करता है और जो लास्ट में स्टेम बोरर और जो हॉपर्स है इनमें थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करता है इमिडाक्लोप्रीड 70% WG। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डोज क्या है। बायर कंपनी की जो एडमायर आती है उसके में जो पाउच होता है, दो दो ग्राम की पाउच आती है। 15 लीटर पानी में आप 2 से 4 ग्राम इमिडाक्लोप्रीड 70% का स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 15 लीटर पानी में एक पाउच या दो पाउच डाल सकते हैं 15 लीटर पानी में और स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 20 से 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। और कौन कौन से फंगीसाइड में मिला सकते हैं कि बात करें तो आप सभी प्रकार के फंगीसाइड्स में और इंसेक्टिसाइड्स में और PGR में, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ और जो भी आता है आपका टॉनिक, इन सब के साथ मिला के आप इमिडाक्लोप्रीड 70% WG के साथ किन्हीं को भी मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, आपको रिजल्ट बेटर देखने को मिलेगा। और जो 2 ग्राम की पाउच आती है एडमायर की वो लगभग 20 से 30 रुपए के बीच में मार्केट में पड़ती है, सभी शॉप में इसका रेट अलग अलग रहता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।